सलमान खान के धमाकेदार शो बिग बॉस 16 ने छोटे पर्दे के साथ साथ टीआरपी लिस्ट में भी जगह बनानी शुरू कर दी है। सलमान खान के शो को शुरू हुए 2 महीने होने वाले हैं। शो में अब्दू रोजिक, सौंदर्या शर्मा, शिव ठाकरे और प्रियंका चाहर चौधरी जैसे कंटेस्टेंट्स को खूब पसंद किया जा रहा है। लेकिन अब बिग बॉस 16 में जल्द ही वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री होने वाली है। इसके लिए कई सितारों के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें बिग बॉस ओटीटी कंटेस्टेंट रिधिमा पंडित से लेकर अब्दू रोजिक के राइवल हिजबुल्ला का नाम शामिल है। कहा जा रहा है कि बिग बॉस 16 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर वो एंटर करेंगे। बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा रह चुकी रिधिमा पंडित को लेकर कहा जा रहा है कि वो शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर एंटर करेंगी। हालांकि अब रिधिमा पंडित ने शो में जाने की खबरों को फेक बताया। मेरा नाम हमेशा आता है, मैं नहीं करूँ। वही श्रीजिता डे बिग बॉस 16 का हिस्सा थी, लेकिन दूसरे वीक ही एक्ट्रेस शो से बाहर हो गई थी। उनका नाम भी कई बार वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर सामने आ चुका है, हालांकि अभी तक इस बारे में एक्ट्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया। बिग बॉस 16 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर आने वालों में सुम्बुल के खास दोस्त फहमान खान का नाम भी जुड़ चुका है, लेकिन खुद एक्टर भी कई बार मना कर चुके हैं कि वो शो में नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब खबरें जोरों पर हैं कि वो शो में दिख सकते हैं। राखी सावंत बिग बॉस 14 और बिग बॉस 15 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई थी। इस सीजन को लेकर भी माना जा रहा है कि एक्ट्रेस एंटर कर सकती हैं। खुद पेपराजी के सामने भी वो कई बार गुहार लगा चुकी हैं कि उन्हें बिग बॉस में बुला लिया जाए। ऐसे में वो भी यहाँ दिखाई दे सकती हैं। शेफाली जरीवाला से हाल ही में पूछा गया था कि क्या वो शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंटर करेंगी। इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि अगर उन्हें ऑफर मिलेगा तो वो शो में जाना पसंद करेंगी। ऐसे में उनके भी जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। कंगना रनौत के लॉकअप की कंटेस्टेंट रह चुकी अंजलि अरोड़ा भी बिग बॉस 16 में एंटर कर सकती हैं। आए दिन एक्ट्रेस का नाम सलमान खान के शो से जुड़ता है, लेकिन वो वाकई में शो में कदम रखेंगी या नहीं, इस बात का खुलासा जल्द ही होने वाला है। इसके अलावा अब्दुल रोजिक के राइवल हिजबुल्ला का नाम भी बिग बॉस 16 के लिए सामने आया था। उन्हें लेकर माना जा रहा था कि वो अब्दुल रोजिक की गेम पलटने के लिए शो में धमाकेदार एंट्री करेंगे। शो में वाइल्ड कार्ड की एंट्री से काफी धमाल मचने वाला है। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि शो में वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री कब तक होती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिग बॉस 16 से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।